हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। एंड आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर सपोज आप लोग भी परेशान हो कि आप लोग जार एप्लीकेशन को ऐसा सेटिंग ऑन करके रखो जिससे कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होते रहते हैं। अगर सपोज कहीं भी आप पे करते हो, आपको ऑटोमेटिकली 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ कुछ भी आपका पैसा यहाँ पे डिडक्ट हो जाता है अपने बैंक अकाउंट से, तो इसको अगर आपको स्टॉप करना है तो ये पर्टिकुलर वीडियो में मैं कम्प्लीटली आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है, जिससे कि आप इस पर्टिकुलर फंक्शन को या ये पर्टिकुलर फीचर को आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो। एंड यहाँ पे 2 to 3 सेटिंग्स है जिसको आपको ऑफ करना है जिससे कि आपका ऑटो डिडक्शन आपका बैंक अकाउंट से बंद हो जाएगा, राइट। तो कम्प्लीटली इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप जो है अपना UPI या फिर लाइक जार एप्लीकेशन को यहाँ पे ऑफ कर सकते हो सेटिंग, एंड आप ऑटो डिडक्शन यहाँ पे ऑफ कर सकते हो, राइट। एंड अभी तक आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस तरीके के वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। एंड अब चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन में एंड देखते हैं किस तरीके से आप इस एप्लीकेशन में ये पर्टिकुलर सेटिंग को ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जार एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन कर लेंगे, राइट। एंड ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लाइक ऑटोमेटिकली जो है मेरा 20 रुपीज़ डिडक्ट हो चुका है, ठीक है। एंड इस तरीके से काफ़ी बार मेरा यहाँ पे डिडक्ट हो चुका है, ऑटोमेटिकली डिडक्ट होते जाता है, राइट। तो इसको कैसे हम लोग जो है यहाँ पे ऑफ कर सकते हो, कौन से ऐसे सेटिंग्स है यहाँ पे जो कि आपको ऑफ करना है जिससे कि आपके यहाँ पे ऑटो डिडक्शन आपके बैंक अकाउंट से ऑफ हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा लॉकर का, ठीक है। लॉकर पे क्लिक करेंगे हम लोग। लॉकर पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग का, ठीक है। आइकन पे हम लोग क्लिक करेंगे। आइकन पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे जो है हमें पूरा सेटिंग यहाँ पे इस एप्लीकेशन का ओपन हो जाएगा, जिसमें हम लोग को कुछ सेटिंग्स यहाँ पे ऑफ करना है जिससे कि आपका ऑटो डिडक्शन यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट से बंद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद जो है यहाँ पे सबसे पहला जो आपका ट्रांजैक्शंस एंड विड्रॉल्स के सेक्शन में यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा ऑटो विड्रॉल 10 रुपीज़, ठीक है। ये अभी पर्टिकुलरली ऑन है, इस ये ऑन है, दैट्स वाई जो है ऑटोमेटिकली जो है आप कुछ भी पे करते हो यहाँ पे जो है आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे 10 रुपीज़ डिडक्ट हो जाता है। कभी ना कभी जैसे कि कभी भी आप लाइक किसी को पे करोगे तो 10 रुपीज़ यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस सेटिंग को सबसे पहले यहाँ पे हमें ऑफ करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे सिर्फ एक सेटिंग नहीं, दूसरा सेटिंग भी यहाँ पे ऑफ करना है अगर सपोज आपको ऑटो डिडक्शन यहाँ पे बंद करना है तो, ठीक है। क्योंकि ये अगर सपोज अगर ऑफ करते हो तो इससे कुछ नहीं होगा और फिर भी जो है आपका ऑटो डिडक्शन ऑन होगा ही होगा, राइट। तो यहाँ पर सेकेंड चीज़ जो है यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है वो है यहाँ पे नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो है ऑटो सेव UPI वेरिफिकेशन, यहाँ पे ये पर्टिकुलर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो इस पर हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपका जो UPI ID है यहाँ पे जिससे आपका पैसा यहाँ पे डिडक्ट होता है, सब्सक्रिप्शन ID, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर हम लोग सब्सक्रिप्शन जो हमारा है उसको हम लोग डिसेबल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिसेबल ऑटो सेव का, ठीक है। उसको हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पॉपअप आएगा। पॉपअप में आपको यहाँ पे पूछेगा कि आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डिसेबल और पॉज इट इंस्टेड। सो इसमें हम लोग नीचे में हम लोग क्लिक करेंगे डिसेबल। पॉज नहीं करना है हमें, यहाँ पे डिसेबल करना है। हमें नहीं चाहिए कि हमारा पैसा अपने बैंक अकाउंट से डिडक्ट होते रहे ऑटोमेटिकली। मे बी 10 रुपीज़ पर डेज ओके, बट 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम्स ये होता रहता है दिन का, तो दैट इज़ नॉट गुड। सो यहाँ पे हम लोग डिसेबल यहाँ पे कर देंगे इसको। एंड डिसेबल करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक मूव बना के आ गया, दैट इज़ ऑटो सेव इज डिसेबल, ठीक है। मतलब इसका आपका जो भी आपका UPI ID या फिर सब्सक्रिप्शन ID था यहाँ पे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिसेबल हो चुका है। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन भी आपको आ जाएगा, एरर लुक्स लाइक योर ऑटो पे इज डिसेबल। इस तरीके का आपको लाइक पॉपअप आ जाएगा, मतलब कि अब जो है आपका बैंक अकाउंट से यहाँ पे पैसा डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। एंड थर्ड थिंग जो है आपको यहाँ पे और एक सेटिंग जो यहाँ पे आपको डिसेबल करना है, हम लोग उसके लिए हम लोग वापस से यहाँ पे होम स्क्रीन में आ जाएंगे। होम स्क्रीन में आने के बाद जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डेली अमाउंट एक्टिवली इन्वेस्ट ₹50 डेली, ठीक है। ये अभी भी करेंटली ऑन है, ठीक है। वो सेटिंग ऑफ हो गया, आपका पैसा बैंक अकाउंट से डिडक्ट होगा नहीं, फिर भी आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा कि आपका पैसा यहाँ पे डिडक्ट नहीं हुआ, आपने आज इन्वेस्ट नहीं किया, ऐसा करके नोटिफिकेशन आता रहेगा, तो उससे भी इरिटेट हो जाता है आदमी लोग। तो ये पर्टिकुलरली आप जो है लाइक सेटिंग भी यहाँ पे ऑफ कर सकते हो, ठीक है। डेली अमाउंट जो है यहाँ पे जो आपका डिडक्शन है वो आपको ऑफ कर सकते हो। तो ये ऑफ करने के बाद जो है उसके बाद आपका प्रॉब्लम 101% यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपका बैंक अकाउंट से कोई भी पैसा इसके बाद डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है।
एंड दैट्स इट लाइक इस वीडियो में. होप ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा. आप जो भी इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे होगा उसके लिए आपको हेल्प किया होगा पर्टिकुलर वीडियो. एंड अगर हेल्प किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड कोई भी अगर दूसरे पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर आप लाइक ये वीडियो सर्च कर रहे हो तो उसके ऊपर भी लाइक आप कमेंट जरूर कर सकते हो. उस टॉपिक पर एज सून एज पॉसिबल मैं वीडियो बनाऊंगा. एंड ये वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं नए वीडियो में. टिल देन थैंक यू, गुड बाय.